नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई सक्सेस पॉइंट में। साथियों, आज का विषय हमारा लोकसभा से संबंधित रहेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लोकसभा के उठाए हैं इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, लोकसभा। इसीलिए लोकसभा, लोगों की सभा। ये जो है इसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? एमपी जो लोकसभा में जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। बहुत ही आधारभूत प्रश्न है ये। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान द्वारा जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वो है 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545, जिसमें से 543 जो हैं विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, जिसमें 543 जो विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है हमारा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन, ये कितने हैं? 2। इन सदस्यों की संख्या है 2, तो 543 प्लस 2, 545। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर है। उसका आधार कौन सा है? जनसंख्या। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? किस जनसंख्या पर आधारित है? 2001 की जनसंख्या पर, 2001 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस 2001, उसके आधार पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा जब पहली बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी 2004 से 2009 में, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 2004 से 2009 में, हमारी 14वीं लोकसभा, जिसके चुनाव 4 चरणों में हुए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है वो जनरली हमारे देश में 18 वर्ष है बहुत सी चीजों की, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु की आवश्यकता है वो है 25 वर्ष। तो एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी के इलेक्शन के लिए मिनिमम आयु जो है वो है 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक संख्या में जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा में वो आते हैं, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, 80 सीट्स हैं लोकसभा की, वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित है। तो दोस्तों, लोकसभा से संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रश्न, आइए एक बार इनका क्विक रिवीजन लेते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 80 सीट्स। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा, जिसमें 2004 से 2009 तक चली, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 2001 की जनगणना पर। 2001 की जनगणना के आधार पर
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? दो, एंग्लो इंडियन दो हो सकते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 545, जिसमें 543 जो है विभिन्न यूनियन टेरिटरीज और विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर आए हैं, और दो जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि जो विभिन्न स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो राज्य से जो सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई हैं वो हैं 530, यूनियन टेरिटरीज से अधिकतम 20 और दो एंग्लो इंडियन। दो एंग्लो इंडियन सीट्स हो सकती हैं, राज्यों से अधिकतम 530 हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरी से 20। इस प्रकार से जो हमारा अगला प्रश्न है, 552 सीटें इस प्रकार से बनती हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552। यहां पर हम बता सकते हैं कि 530 अधिकतम, 530 राज्य से, यूनियन टेरिटरी से अधिकतम 20 और एंग्लो इंडियन जो है वो 2। इस प्रकार से विभिन्न सीटों की जो संख्या है वो लोकसभा में निर्धारित की गई है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा या लोगों की सभा। जो प्रेजेंट में, वर्तमान में 2018 में जो लोकसभा चल रही है ये 16वीं लोकसभा है। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लोकसभा स्पीकर जो हैं वो श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हैं। तो दोस्तों, माय सक्सेस पॉइंट चैनल की तरफ से ये लोकसभा से संबंधित प्रश्न, आशा करते हैं कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित हैं या और अन्य विषय जैसे करंट अफेयर्स या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं, इसी प्रकार के विभिन्न वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। जुड़ते रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।